अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान सलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारा जो सा सबसे मेन टॉपिक अब ये स्टार्ट होने लगा है, एक्सरसाइज 2.6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो फुल चांस होता है आने का क्वेश्चन के इसमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या 2.4 में से आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ ये दो एक्सरसाइज हैं। ज्यादा 90% से 95% चांस से ही होते हैं कि इधर से ही आए क्वेश्चन 2.6 या 2.4 में से। 2.6 का जो आंसर है वो इस पार्ट में से, क्वेश्चन नंबर 7 में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, लेंथी क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जाहिर बात है लेंथी होंगे पर आसान है। आपने फुल रिलैक्स माइंड होकर इसको समझना है और फुल कंसेंट्रेशन के साथ लेक्चर देखना है और क्वेश्चन बार बार ये सोल्व करने हैं ताकि आपकी बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास, बुक्स ओपन कर ले। सबसे पहले तो 2-3 iota और x plus y iota is equal to 4+ iota, वो कह रहा है इस क्वेश्चन में। उसकी डिमांड ये है क्वेश्चन की कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने x और y की वैल्यू जो सी है वो फाइंड करनी है। तो किस तरह से है ये देख लें, मेरे पास वैल्यूज ने, अब सबसे पहले वैल्यूज देखे मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 2 को पहले पूरी वैल्यू के साथ, -3 iota को पूरी वैल्यू के साथ, 2 को मैंने पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया और -3 iota को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल टू 4+iota। सारे कॉन्सेप्ट जो पीछे पड़े हैं मैं दोबारा रिकॉल करूंगा, माइंड में आपके आ जाने चाहिए क्योंकि आपने सारे जो से वीडियोस देखी होंगी, आपने लेक्चर अच्छे तरीके से देखे होंगे तो फौरन आपके माइंड में बात आ रही कि जी हमने ये बात पढ़ी थी। तो देखेंगे किस तरह से। अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया 2x, 2 को y iota के साथ मल्टीप्लाई करवाया 2y iota, -3 iota को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया -3 iota, 3x iota, -3y iota को iota से मल्टीप्लाई करवाया तो iota स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 4+iota। नेक्स्ट 2x + 2y iota -3x iota, वैसे ही तीनों वैल्यूज, फोर्थ वैल्यू जो है सिर्फ iota स्क्वायर की वैल्यू इस स्टेप में मैंने ऐड की है। हर स्टेप क्यों किया है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट टाइम आप ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हर कॉन्सेप्ट आपको, हर स्टेप आपने देखना है और हर स्टेप आपने करना है। जब आपकी फुल ग्रिप हो जाए, आपको आंसर तक याद हो जाए कि हाँ इसका आंसर भी यही आना है, यहाँ पर ये स्टेप होना है, फिर आप एक आधा स्टेप छोड़ सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। -3y हो गया, और इस स्टेप में क्या किया, तीनों वैल्यूज वैसे ही -3y की है इज इक्वल टू 4+iota। ये दो स्टेप में हो सकता था पर चार स्टेप इसलिए किए ताकि आपको कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है इसमें से रियल नंबर्स कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स कौन से हैं, 2x और 3y, ये लिख दिया मैंने 2x और 3y, और इमेजिनरी नंबर कौन से हैं, 2y iota -3x iota, 2y iota -3x iota इज इक्वल टू 4+iota। यहाँ पर देखें ये रियल नंबर आ गई, ये इमेजिनरी नंबर में से हमने क्या काम करना है, iota जो है वो कॉमन निकाल, ये iota कॉमन निकाला अंदर ये टर्म वैसे 2y -3x इज इक्वल टू 4+iota। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि रियल नंबर रियल के इक्वल, इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के इक्वल, इधर रियल क्या है 2x + 3y, इधर रियल क्या है 4, तो मैंने इसके इक्वल रख लिया और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। इधर इमेजिनरी क्या है, iota 2y -3x iota, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया -3x + 2y, क्योंकि इधर भी xy लिखा हुआ है, इधर भी मैंने xy लिख लिया, अरेंज करके लिख दिया, इधर इज इक्वल टू iota। तो iota वाला टर्म, iota के इक्वल रियल वाली जो है वो रियल के इक्वल। अब क्या किया मैंने, ये iota इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो गया, इसको एक कंप्लीट इक्वेशन बना लिया क्योंकि मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये iota मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो गया, iota iota से कटिंग हुआ तो 1 बच गया। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1 और ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में है तो लेक्चर वीडियो जो सी हो दोबारा चलाएं और क्लियर करें, फिर ही आगे हम चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि ये मेन काम था। अब ये जो सा काम है आपने 8th class में भी किया हुआ है, 7th में मैं भी किया हो बट 8th में तो जरूर किया होगा। यहाँ पे आप देखें मैंने वैल्यू जो सी है वो सेम बनानी है, यहाँ पे एक x की वैल्यू मैंने सेम बनानी है या y की वैल्यू बनानी है, मेरी अपनी मर्जी, मैं चाहता हूँ कि मैं x की वैल्यू सेम बना लूँ। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ, ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा कि वैल्यू सेम बन जाए। मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, और मैंने इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि 2 × 3 = 6 हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू सेम बन जाएगी। और जब ये प्लस हो
और एक माइनस हो, एक इक्वेशन वो भी वैल्यू देखनी है जो आप बना रहे हो वो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो हमेशा याद रखना इक्वेशंस को ऐड करना है। ऑपोजिट साइंस होंगे तो ऐड करेंगे, सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो ऑपोजिट साइन है, ये माइनस का ये प्लस का, तो इक्वेशन ऐड करेंगे। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 को बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, देन ऐड, और दोनों को ऐड करें। इसकी रीजन क्या है कि वैल्यूज जो सी है ऑपोजिट है, जैसे ये -3x है और यहाँ पर +3x बन जाएगा, -6x और +6x बन जाएगा। जैसे इधर देखें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई करवा के ये फॉर्म आई है 3 2 6x, 3 3 9y, 3 4 12, 2 3 6x, 2 2 4y और 2 1 2। यहाँ पर एक गलती आप क्या करते हो, आप सिर्फ इतना ही साइज वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाते। जब इक्वेशन पूरी काउंट हो रही है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाने, बड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है माइंड में को इज इक्वल टू से आगे वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है या नहीं करवाना, भूल गए हैं सही तरह से याद नहीं आ रहा, तो याद रख लो पूरी इक्वेशन है ये, उसमें इज इक्वल टू भी बेचारा उसके साथ ही है, कोई अलहदा नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखने बाद कि पूरी इक्वेशन वो काउंट होती है। अब ये देखें 2 को -3 ये देख लिया मैं, अब ये जो सा काम मैं इसकी वैल्यू बना रहा था एक्स की, सेम वैल्यू होगी, ऑपोजिट साइन है, प्लस में क्या करते हैं वैल्यू +6x में है, -6x कटिंग हो गया, 9 + 4 क्या हो गया 13y, तो ये मैंने लिख दिया 13y, 12 + 2 कितना हो गया 14 हो गया, 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया, तो y की मेरे पास एक वैल्यू आ गई 14/13। अब मैं इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, मैं इन इक्वेशन में भी पुट कर सकता हूं, मैं ये 2 में भी पुट कर सकता हूं, y में भी पुट कर सकता हूं, इन दो में से भी किसी में पुट कर सकते हैं, आंसर रॉन्ग नहीं होगा, आप करके देख सकते हो किसी भी इक्वेशन में। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में करने लगा हूं, यहां पर पुट, इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास 2x + 3y = 4, यहां पर मैंने लिख दिया 2x + 3y = 4, इसकी आगे वैल्यू पुट करें y की, ये जो लिखनी होती है ना स्टेटमेंट्स, इसके मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, चेक करने वाले को अगर आपका पेपर अच्छा लग जाए तो इससे अच्छी कोई और बात ही नहीं है, तो ये लिखा करें ताकि जो चेक कर रहा था उस पर इंप्रेशन जो है एक्सप्रेशन अच्छा पड़े आपका, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 2x + 3y की वैल्यू क्या निकाली है, 14/13 = 4, 3 को मल्टीप्लाई करवाया 14 के साथ तो 42। अब यहाँ पर आप क्या करते हो 3 को 13 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हो, क्यों करवाना है बेटा, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13 ही आएगा, तो इसलिए ये भी कंसेप्ट होंगे आपका कि 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, नहीं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ। एक्सरसाइज 2.6 के जब मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कर रहा था तो आपको ये बात मैंने बताई थी कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे 1 है, 1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 ही आएगा, +42/13 हो गया, उधर जाकर -42/13 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू बनानी है इसलिए x को एक तरफ ही रखना पड़ेगा, ये 2x आ गया। अब एलसीएम ले, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, 1 और 13 में एलसीएम क्या आ गया 13, 1 के टेबल पे 13 कहां पे आते हैं 13 पे, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इट इज 52, -13 के टेबल पे 13 का आया 1 पे, 1 आ गया आंसर, 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42 आ जाएगा, 52 - 42 = 10, तो 2x = 10/13। अब x की वैल्यू फाइंड करनी तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा इस वैल्यू के हिसाब से, 10 के हिसाब से डिवाइड होगा, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर नीचे 2, 13 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है पर 10 के हिसाब से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर आगे इजी करने के लिए आप आगे यहाँ पे ये भी कर सकते हो 13 2 26 फिर कटिंग कर सकते हो, पर मेरे पास डायरेक्ट कटिंग हो रही 2 1 2 2 5 10, तो x = 5/13 आ गया। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कि किस तरह से जो पूरी इक्वेशन होती है उसमें से रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर मिले भी हो तो उनमें से हम x और y की वैल्यूज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.5 में लास्ट क्वेश्चन जब किया था तब वो बड़ा इजी क्वेश्चन था कि जिसमें हमने रियल और वो x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, तो इधर हमने देख लिया कि टिपिकल क्वेश्चन भी हो मुश्किल भी हो तो उसको x और y की उसमें से वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो सब आपने असाइनमेंट के तौर पर करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप आके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर
जो सेवन चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 2.6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने असाइनमेंट के तौर पर करने हैं, वो सबमिट भी करवाने हैं। ये देख लेते हैं किस तरह से है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने 3+4 आयोटा का होल स्क्वायर -2 इनटू x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। कॉन्सेप्ट सारा वही आपने माइंड में रखना है कि रियल नंबर जो से वो रियल के इक्वल होंगे, इमेजिनरी नंबर जो से वो इमेजिनरी के इक्वल होंगे। इक्वेशन देखनी है, अगर इक्वेशन बन रही है तो फिर भी उसको किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर इक्वेशन नहीं बन रही तो उसको किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें वैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू मिल रही है तो हम इजिली फाइंड कर सकेंगे। जैसे देखें a प्लस बी का होल स्केर, इधर फॉर्मूला अपन हो रहा है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, a की जगह उसने यूज किया 3 और b की जगह 4 है होता, तो फॉर्मूला में भी a की जगह आएगा 4 और b की जगह आएगा 4 है होता। तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab -2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2x माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस प्लस और 2y आयोटा हो गया इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16 आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर 2 3 6 6 4 24 आयोटा तो 7 आयोटा आ गए, -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, ये एज इट इज आ गए। वैसे 9 प्लस 16 आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है -1 प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा। अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज एक तरफ ले आया, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने उधर इस तरह से करने हैं कि इज इक्वल टू से एक तरफ आपने एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर जरूर रखना है, फिर आपको इजीली वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 9 प्लस 16 आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू आ गई है -1 प्लस 24 आयोटा, ये -2x प्लस 2y आयोटा, ये प्लस x है इधर आकर -x हो गया, ये प्लस y आयोटा इधर आकर -y आयोटा हो गया इज इक्वल टू 0। 9 प्लस माइनस माइनस 16 वन्स 16 प्लस 24 आयोटा, ये -2x ये -x ये हो गया -3x। अब ये प्लस 2y आयोटा माइनस y आयोटा, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी रकम का, तो बड़ी रकम साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो ये आ गया प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये 9 माइनस 16 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी रकम का, तो ये आ गया -7 प्लस 24 आयोटा माइनस 3x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, x और y के टर्म्स एक तरफ रख लेते हैं और जो इमेजिनरी और रियल नंबर है वो दूसरी तरफ दे देते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है ये -3x ये प्लस y आयोटा, ये x और y वाले टर्म्स इधर ही है, ये -7 उधर जाकर +7 हो गया, ये प्लस 24 आयोटा उधर जाकर -24 आयोटा। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है एक के रियल नंबर जो है वो रियल के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी नंबर के इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये देखते हैं, जैसे इधर रियल नंबर क्या है हमारे पास -3x और इधर रियल नंबर क्या है 7, तो ये इसके इक्वल होगा -3x इज इक्वल टू 7। यहां पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर कौन सा है y आयोटा इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या है -24 आयोटा, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब यहां से हम इजीली x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 7, ये -3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये आयोटा इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -24 आयोटा ओवर आयोटा, ये आयोटा आयोटा से कटिंग, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -24। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से इक्वेशन अगर हमारे पास दी हो तो उधर से हम किस तरह से एक x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और वो जो सारे क्वेश्चन है उसके सारे कॉन्सेप्ट जो रिव्यू एक्सरसाइज में यूज होंगे वो करने बेसिकली आपने खुद होते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, उसमें से जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होंगे वो करेंगे। तो अपने प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं यहाँ से देखने हैं, चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, 1 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।